मैं रेडी हो चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ कमेंट बताइएगा। और ये है हमारा साड़ी। तो हम सभी लोग जी तैयार हो गए हैं, जिया भी तैयार है, क्रियांश भी तैयार है और हम लोग पहुँच गए हैं बैंक्वेट हॉल के पास। तो ये देख सकते हैं हमारे बेटे का अभी गुड मॉर्निंग हुआ है, 9 बजे हुए हैं क्योंकि आज इसकी है छुट्टी गणेश चतुर्थी की और इसके पापा का भी अभी गुड मॉर्निंग होने वाला है। ये देख लो, गुड मॉर्निंग। 2 hours later तो मैं आ गई नहा करके और अभी तक हमारी लिपस्टिक जो हटी नहीं, कितना भी मैंने ट्राई किया। और इसके बाद अभी मुझे होना है तैयार और कल का मेकअप आप लोगों ने देख के बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। शायद आप लोगों को उतना अच्छा ना लगे वीडियो के थ्रू, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग अच्छा बोल रहे थे, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी ईसा ने बहुत अच्छा मेकअप किया, इस वजह से मैंने आज इसको फिर बुलाया क्योंकि आज मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो मैंने बोला ईशा तुम मेकअप कर दो, तो ईशा आइए फिर से। और मेकअप एक ऐसा चीज़ है ना, जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा ना फिर दोबारा आप नहीं बुलाओगे, तो आप लोग समझ सकती हो कि मुझे बहुत अच्छा लगा तभी तो मैं बुलाई है ना, तो सच में बहुत अच्छा करती है। मेकअप हमने स्टार्ट कर दिया है, हेयर वॉश कर लिया हमने क्योंकि कल सर में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मुझे तेल लगाना पड़ा था, तो अभी हमने हेयर वॉश कर लिया। और इसके बाद ईशा लगा रही है हमें सबसे पहले मॉइस्चराइजर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइजर हमने भर भर के लगा लिया और ये देखिए ये है हमारा छोटू सा मिनी फैन जो कि मॉइस्चराइजर को सूखने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम लोग लगा रहे हैं सीरम और इसके बाद प्राइमर लगा रही हो, कंसीलर ओके। और आज ना एकदम लाइट मेकअप करना है, एकदम हल्का, ठीक है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेकअप भी क्या है। लगाया जा रहा है ब्लश जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब लगा रही है ईशा कॉम्पैक्ट है ना, और इसके बाद अब आईब्रो फिल हो रहा है, उसके बाद हो रहा है हमारा आई मेकअप। तो ये हो गया हमारा आई मेकअप, हमने एकदम लाइट बोला है कि बहुत ही लाइट मेकअप करना और एकदम सटल मेकअप होना चाहिए, तो ईशा ने बिल्कुल वैसा ही किया। अभी थोड़ी देर में आपको पूरा फुल लुक पता चलेगा। अभी क्या लगा रही हो? हाइलाइटर। मैं ब्लैक काजल अच्छा नहीं लगता तो वाइट काजल लगा रही हूँ मैं। इसके बाद लगाने वाले हैं लाइनर, तो लाइनर हमारा लग चुका है, ये देख सकते हो। तो आईलेसेस हमारा लग चुका है और बहुत ही प्यारा आईलेसेस लग रहा है। और इसके बाद मस्कारा लगने वाला है ना? नहीं, पहले लाइनर। तो हमारा मेकअप डन हो चुका है। One eternity later. तो हम लोग जाने वाले हैं जी आज पार्टी में और क्रियांश भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटेड पार्टी के लिए। नहीं, यहाँ तो सामने मिल गया इसको चॉकलेट। तो जिया यहाँ पर तैयार हो रही है पार्टी के लिए और आज फिर एक बार आई है ईशा जिया को तैयार करने के लिए, तो जिया यहाँ पर हो रही है तैयार। तो जैसे ही तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद जो है हम लोग तैयार होंगे। हाँ, खुश रहो जान गए। तो क्रियांश को समझ में आ गया है कि कहीं बाहर जाने की तैयारी, मम्मी को तैयार होते देख रही है, तो सभी लोग हम लोग चलेंगे। हो जाओ तैयार, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे तैयार होने के बाद हम लोग होंगे। A few moments later. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ कमेंट बताइएगा। और ये है हमारा साड़ी और ये है ईशा, ईशा ने तैयार किया है मुझे और मैंने जैसा बोला था एकदम सटल मेकअप चाहिए, एकदम लाइट मेकअप चाहिए, तो वैसा ही ईशा ने किया। अगर आप लोग भी करवाना चाहते हैं कटिहार से स्पेशली, क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत लोग मेकअप करवाना चाहते हैं, तो जल्दी से इसको बुक कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है ईशा को, तो इस वजह से ऐसा ना हो कि ये फुल हो जाए। फिर जल्दी से आप लोग कॉल करके इसको बुक करवा लीजिएगा, बहुत अच्छा मेकअप करती है ये, और एक बार जब आप मेकअप इसका देखिएगा ना तो फिर आप इसी से करवाइएगा, जैसा कि मैं कल भी करवाई थी और आज भी मुझे इसी से मेकअप करवाना था तो मैंने इसे बुलाया। यहाँ पे मैं उसका नंबर डाल दूंगी, आप इन्हें कॉल करके बुक कर सकते हैं और जिसको ज़रूरत हो ना सिर्फ वही कॉल कीजिएगा, क्योंकि बहुत फालतू लोग भी कॉल करते हैं ना, तो जिसको जरूरत हो सिर्फ वही कॉल कीजिएगा। लेट है, हम सभी तैयार हो चुके हैं, माँ भी तैयार हो गई, माँ किसी और पार्टी में जा रही है, हम लोग तो अपने अपने जगह पर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, वहीं जा रहे हैं।
चार आदमी है तो दो आदमी बट गए हैं। सही बात है, तो सौ परिवार में शादी के यहाँ जाते हैं। हाँ। लेकिन अलग अलग जगह जाना जरूरी है, सब जगह। लेकिन कभी कभी ये परिस्थिति हो जाती है जो हम किसी को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग बट गए दो भाग में जाते हैं। यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए। जिस लोग जैसे बाहर जाता है आदमी को लगता है कहाँ जा रहे हैं, घर कैसे आएंगे, इसलिए ईश्वर के चरण को आगे रखिए, अपना यात्रा बढ़ाइए। अगर उनकी दया दृष्टि हुई तो लौट के घर आइए। तो ये रहा हमारा गिफ्ट। Few inches later. तो हम सभी लोग जी तैयार हो गए हैं, जिया भी तैयार है, क्रियांश भी तैयार है, और हम लोग पहुँच गए हैं बैंकेट हॉल के पास। और बैंकेट हॉल के पास जाके गाड़ी अपना पार्क कर दिया है। क्रियांश बहुत एक्साइटेड रहता है कहीं भी बाहर घूमने के लिए, तो सभी को लेकर के चलते हैं अंदर। हाँ चलते हैं। अरे कैसे हैं आप लोग? हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पर, और अभी जो एंगेजमेंट सेरेमनी होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक सोच रहे हैं पेट पूजा कर लिया जाए। तो अपना पेट पूजा कर रहे हैं। ये क्या है? पिज्जा लग रहा है क्या भैया? ये चीला। अच्छा चीला है ये। ओके ओके ओके, तो हम लोग पिज्जा सोच रहे हैं। कितना कुछ